और उसी भूमि पर बाप और बेटी का मिलन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। महारानी श्री जानकी जी और महाराज श्री जनक, लेकिन इसमें मर्यादा की पराकाष्ठा का दिग्दर्शन हो रहा है चित्रकूट में। यहाँ एक और भाई भाई मिल रहे थे, प्रेम सिंधु बन गया। लेकिन प्यारे, जिस समय एक पिता ने अपनी पुत्री को चित्रकूट में देखा, चित्रकूट की महिमा है, जरा सुनते जाओ, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ पिता ने जब पुत्री को देखा तो भयउ प्रेम परितोष। बोलो महाराज श्री जनक को, श्री जानकी जी को देख करके क्या मिला चित्रकूट में? प्रेम मिला, क्योंकि चित्रकूट की भूमि प्रेम भूमि है। यहाँ प्रेम राज्य की स्थापना हुई है, बाद में अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई है, पहले चित्रकूट में प्रेम राज्य की स्थापना हुई है। यहाँ परम प्रेम पूर्ण दो भाई, और यहाँ महाराज श्री जनक, चित्रकूट की ही कथा है, तापस्वेश जनक परितोष विषेखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी। मिथिला में प्रेम देखने को नहीं मिला था क्या? चित्रकूट में प्रेम देखने को मिला। प्यारे, मिथिला में तो महाराज के आंसू ही निकलते रहे। बोलो निकलते रहे कि नहीं? ये उदाहरण दे रहा हूं, प्रसंग तो चित्रकूट का ही है लेकिन उदाहरण है। श्री जानकी जी की जब विदा हो रही थी तो आंसू ही निकलते रहे, आंसू बंद नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, लीन राय उर लाय जानकी मिटी महा ज्ञान की, मिटी वहां मर्याद ज्ञान की। यहां ज्ञान की मर्यादा मिट गई। महाराज श्री जनक ने जिस समय बेटी को हृदय से लगा लिया, रोते रहे रोते रहे। ये मंत्री खड़े खड़े समझाते रहे, महाराज जनक को समझा रहे थे मंत्री। लीन राय उर लाय जान की मिटी महा मर्याद ज्ञान की, देखत ही शियमूरत को निज अंग विसूरत खोवन लागे, मंत्र सवे मन मोन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, मानु विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सो धोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी कहे जान की जान की रोवन लागे। हा जान की हा जान की हा जान की कह करके महाराज रो रहे थे। लोग कहने लगे कि ये ज्ञान की मर्यादा चली गई है, ये ज्ञानी रो रहा है। लेकिन प्यारे, क्यों रो रहे थे महाराज श्री जनक? आज जनकपुर में रो रहे हैं लेकिन चित्रकूट धाम में भयो प्रेम परितोष विशेष। जरा तुलनात्मक विवेचन हो रहा है, ये तुलनात्मक विवेचन है, जरा इसको सुनते जाना। जैसे ही किशोरी जी को देखा, तपस्विनी के वेश में देखा, ये मानस की चौपाई सिद्ध कर रही है, तपस्विनी के वेश में देखा, राजसी वेश में नहीं देखा। तापस्वेश जनक सी देखी
भयउ प्रेम परितोष विषेखी। महाराज श्री जनक ने देखा तो प्रेम उमड़ आया, प्रसन्न हो गए बेटी सीता को देख के। आज वर्तमान में कोई बाप अगर इस भेष में बेटी को देखेगा तो बोलो उस समय रोएगा कि प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, बोलो है? रोएगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा। आइए, विधायक जी हैं हमारे श्री त्रिपाठी जी, आश्रम का विशेष सहयोग करते हैं, इनके सहयोग से बहुत अच्छा मंच तैयार हो रहा है। और हमारे महाराज जी ने जब नाम लिया कि त्रिपाठी जी का, विधायक जी का सहयोग है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जय आशीर्वाद। भयउ प्रेम परितोष विशेषी। देखो ऐसे समय पर विधायक जी आए कि बेटी की चर्चा चल रही थी मध्य प्रदेश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरे भारत में भी ये अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खास तौर से मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा बेटियों के प्रति सरकार सोच रही है और समाज भी सोच रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन समाज भी आज बेटियों के लिए सोच रहा है। और मैं तो कहता हूं कि इस प्रसंग से कुछ प्रेरणा लेनी है आप सबको, और बड़ा ही प्रेरणादायी प्रसंग है। भयो प्रेम परितोष विशेषी। बेटी आज तूने परितोष दे दिया। सीता जी को प्राप्त करने के पहले महाराज श्री जनक को बेटे मिल गए थे। क्यों भाई, मिल गए थे कि नहीं? किशोरी जी तो बाद में मिली, पहले तो उनको बेटे मिल ही गए थे, बेटों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन महाराज श्री जनक को बेटों ने जितना सुख नहीं दिया जितना बेटी ने दिया, बोलो दिया कि नहीं? जबकि बेटे भी संस्कारी हैं, साधारण बेटे नहीं है महाराज श्री जनक के, संस्कारी बेटे हैं। लेकिन बेटों से जितना प्रेम नहीं मिला, जितना परितोष नहीं मिला, बेटी से मिला। और वो भी बेटी को कहां देखा? अयोध्या के कनक भवन में नहीं देखा था, सोने के पाले पर बैठा हुआ नहीं देखा था, सोने के पात्र में पानी पीते नहीं देखा था, सोने की थाली में भोजन करते नहीं देखा था। श्री किशोरी जी को तो अंजलि से पानी पीते हुए देखा, वहां पात्र भी नहीं है, अंजलि से पानी पी रही है। पत्तों पर कंद मूल फल रखे हुए हैं, उनको ग्रहण कर रही हैं, झरनों का पानी पी रही हैं, मंदाकिनी जी का जल पी रही हैं। बोलो यही हुआ कि नहीं हुआ? धन्य भूमि गिर पंथ पहारा, जहां जहां नाथ जाए पग धारा। ये बड़भागी हैं पर्वत, ये बड़भागी हैं नदियां, ये बड़भागी है वनमार्ग, और बड़भागी हैं गिरवासी वनवासी, जिन्होंने भगवान का वो स्वरूप देखा है, वनवासी स्वरूप देखा है, श्री किशोरी जी का वनवासी स्वरूप देखा है। आज महाराज श्री जनक भी वनवासी वेश को देखकर अपने को बड़भागी मान रहे हैं, बड़भागी मान रहे हैं। बेटी जब त्याग करती है ना, तो वो विश्व वंदनीय हो जाती है। बेटी जब त्याग करती है तो केवल एक बाप के लिए वंदनीय नहीं होती है, एक कुल के लिए वंदनीय नहीं होती है, केवल दो कुलों के लिए ही वंदनीय नहीं होती है, वो पूरे विश्व के लिए वंदनीय बन जाती है। श्री जनक नंदिनी जी विश्व वंदनीय हो गई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। त्याग में बड़ी ताकत है। बेटियों शिक्षा लो, हम सुविधाओं से दूर रहें, सिद्धांत का वर्ण करें, सिद्धांत का वर्ण करें और सुविधाओं से दूर रहें। ये सुविधा और सिद्धांत में कोई यदि बेटियों से पूछे
तो आज इस मंच से उत्तर मिल रहा है, उत्तर दे देना। कोई पूछे भारत की बेटी से कि सुविधा में और सिद्धांत में क्या अंतर है, तो कह देना इतना अंतर है जितना रबड़ी मलाई और घास की रोटी। बोलो, सोने की सैया ये सुविधा है और पत्तों की सैया ये सिद्धांत है। सुविधा का रास्ता बेटियों, सुविधा का रास्ता डल्लन के गद्दे से लेकर के 56 प्रकार के व्यंजनों तक जाता है और सिद्धांत का रास्ता अरावली की पहाड़ियों से लेकर के घास की रोटियों तक जाता है। यह है सिद्धांत का रास्ता। इसलिए इतिहास उन्हीं का अमर हुआ है, महाराणा प्रताप की बेटी ने घास की रोटियां खाई हैं। बोलो खाई हैं कि नहीं खाई हैं? महाराणा प्रताप की बेटी ने सुविधाओं का त्याग किया था, घास की रोटियां खाई थी। महाराणा प्रताप के साथ बेटी का भी नाम लिया जाता है। बोलो लिया जाता है कि नहीं? बेटी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेटी ने जो सिद्धांत अपनाया वो सिद्धांत हमको विवश होकर के कहना पड़ रहा है कि नहीं कहना पड़ रहा? आज श्री किशोरी जी से प्रभावित हुए महाराज जी। तापस वेश जनक सिए देखी भयउ प्रेम परितोष विषेखी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कै सबको। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। जब तेरी विदा हो रही थी उस समय में इसलिए नहीं रो रहा था कि मैं बेटी को विदा कर रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा था कि मैं वैदेही को विदा कर रहा हूं। मैं विदेह हूं, मेरी बेटी वैदेही है। इतने बड़े साम्राज्य में प्रवेश कर रही है, जहां अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लख धनद लजाही। इतने बड़े भौतिक साम्राज्य में प्रवेश कर रही है, जहां देवराज इंद्र भी लज्जित होता है। अयोध्या की संपत्ति को देख करके उस संपत्ति की स्वामिनी बनने जा रही है। आज विदेही की बेटी वैदेही संपत्ति की स्वामिनी बनने जा रही है, कहीं सिद्धांत ना भूल जाए। इस बात का रोना आ रहा था, लेकिन आज जनक तेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। तेरी बेटी ने विदेह की वैदेही ने अयोध्या के साम्राज्य अयोध्या की सुविधाओं को ठुकरा दिया है और चित्रकूट के अभ्यारण्य में सिद्धांत का वरण कर लिया है। इसलिए जनक तेरा मस्तक ऊंचा हो गया, तू आज गौरवान्वित हो रहा है बेटी के कारण। आज बोलो बाप को किसने गौरवान्वित किया है? बेटी ने गौरवान्वित किया है। जनक जी के पुत्रों की क्या भूमिका है और पुत्री की क्या भूमिका है? एक बात और सुन लो, ये अंतिम बात कह रहा हूं क्योंकि 7:15 बज गया है, 5 मिनट की बात है, ये अंतिम बात है, इसको और सुन लो। भरत जी को चरण पादुकाएं मिली और प्रेम का सिंधु बना, उसमें दोनों डूबे। यहां महारानी श्री जानकी जी किशोरी जी और महाराज श्री जनक दोनों में भी यहाँ किशोरी जी के सिद्धांत से प्रभावित होकर महाराज श्री जनक को भयउ प्रेम परितोष विशेषी पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री ऐसी होती है जो पिता और पति दोनों के कुल को पवित्र करती है। करती है कि नहीं? आजकल चाह जो है बेटों की ज्यादा है, बेटियों की कम है। और अब तो मजबूरी आ गई है, शादी विवाह करना भी अब तो लड़कों की शादी करना मुश्किल हो रहा है, बेटियां कम पड़ गई हैं। क्यों भाई, कम पड़ गई कि नहीं? अब तो समस्या खड़ी हो गई। एक सेठ जी रो रहे थे, और ये हमीरपुर जिले में राठ पड़ता है, राठ बहुत बड़े सेठ हैं। कहे महाराज बड़ी समस्या है, पैसा बहुत है और आज भी बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन लड़कों दो लड़के हैं किसी की शादी नहीं हो रही।
मैंने कहा क्यों क्या बात है? बोले पैसा बहुत है, वैभव खूब दिखाई भी दे रहा है, खूब अच्छा धंधा भी चल रहा है। बोले शुरू शुरू में लड़कों ने गलती कर दी। बोले क्या गलती कर दी? बोले लड़कों ने गलती ये कर दी कि ये पसंद नहीं किए किसी लड़की को, ये पसंद ही नहीं किए। और आज ये स्थिति है कि उम्र ज्यादा हो गई, अब कोई लड़की इनको पसंद नहीं कर रही। पहले ये लड़की को पसंद नहीं किए, अब लड़की कोई इनको पसंद नहीं कर रही है। अब बोलो भाई पैसा काम नहीं आ रहा है, कहां आ रहा है पैसा? काम पैसा काम नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहता हूं, समय से ही सब होना चाहिए। समय से जो चूक गया, समय की कीमत जिसने नहीं समझी, समय ने उसकी कीमत भी नहीं समझी है। इसलिए समय की कीमत समझो। आज जनक जी को प्रेम परितोष हुआ और उन्होंने कहा बेटी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और जब भी तू संकट में आएगी तो मेरा आशीर्वाद संकट में काम आएगा। अच्छा बोलो, संपत्ति पिता के द्वारा दी हुई संपत्ति काम में आती है कि पिता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद काम में आता है? बोलो भाई, आशीर्वाद संपत्ति नहीं, संपत्ति तो आती है चली जाती है, लेकिन आशीर्वाद स्थिर होता है, वो अचल प्रतिष्ठित हो जाता है। जाओ जब भी संकट आएगा तो मेरा आशीर्वाद संकट मोचन बनेगा, कोई ना कोई तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए आ ही जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और आप सबको मालूम है कि जब जब सीता माँ के ऊपर संकट हुआ तो सीता जी के संकट को दूर करने के लिए कोई संकट मोचन बन के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? संकट मोचन बन के कोई ना कोई आया। आज सीता जी को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे महाराज जनक, भरत जी को